Please subscribe and press the bell icon for more content. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस सैड डेल्टा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से ऑटोमेटिक पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। जस्ट वन क्लिक कर ऑटोमेटिक 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। मेरे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन है। आपके पास कोई भी वर्जन है तो आप आसानी से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पेज लेआउट पर जाइए। पेज लेआउट पर जाने के बाद पेज लेआउट पर क्लिक कीजिए, और पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद आप जाइए मार्जिन पर, और मार्जिन पर जाने के बाद आप क्लिक कीजिए कस्टम मार्जिन पर, और कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद आप जाइए यहाँ पर साइज मार्जिन सेलेक्ट कीजिए। मार्जिन का साइज सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर 0.2 देता हूँ टॉप पर, और उसी तरीके से बॉटम पर भी 0.2 देता हूँ, और लेफ्ट पर भी 0.2 देता हूँ, और राइट पर भी 0.2 देता हूँ। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, 0.2 0.2 0.2 0.2। और मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मार्जिन का साइज सारे के सारे 0.2 हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद आप क्लिक कीजिए साइज़ पर जाने के बाद आप क्लिक कीजिए मोर पेपर साइज पर, और यहाँ पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप साइज़ रखिए 4R साइज, यानी कि 4x6 4R साइज। यहाँ पर 4 क्लिक करता हूँ वेट पर, और हाइट पर मैं 6 रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए 4R पेज, यानी कि 4x6 साइज। और इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पेज रेडी हो चुका है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ। जूम आउट जूम इन करने के लिए आप कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए, और कीबोर्ड माउस का स्क्रॉल बटन ऊपर नीचे करिए तो आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो पेज को आसानी से। और उसके बाद जाइए इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद टेबल पर क्लिक कीजिए। टेबल पर क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट कीजिए रो 3 और कॉलम 4, इस तरीके से क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आप इस टेबल को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आसानी से ये सारी के सारी सेलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टेबल टूल दिख चुका है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कीजिए। टेबल टूल पर दो ऑप्शन है, डिज़ाइन और लेआउट। आप लेआउट पर क्लिक कीजिए। लेआउट पर क्लिक करने के बाद आप जाइए प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर रो और कॉलम पर, रो पर मैं रख देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर रख दीजिए हाइट 1.35, और कॉलम पर क्लिक कीजिए। और कॉलम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रख दीजिए 1.1 इंच, और ओके पर क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर 4R पेज में यहाँ पर टेबल तैयार हो चुका है दोस्तों। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन नीचे कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। और फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, और यहाँ पर टेबल पर जाता हूँ दोस्तों, टेबल पर। और टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंटर पर क्लिक कीजिए। सेंटर पर क्लिक करके ओके कीजिए। इस तरीके से अलाइनमेंट सेंटर होता है दोस्तों टेबल को। और इस तरीके से यहाँ पर मैं अब यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए आप जाइए इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख चुका है दोस्तों। और मैं इसको आउटसाइड पर एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सारी की सारी ऑप्शन दिख चुका है दोस्तों। मैं यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से। और पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिस डिवाइस पर जाता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड पर पिक्चर्स है। आप कोई सा भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर इसी वाले इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, और इसको इंसर्ट करता हूँ इस तरीके से। और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर पिक्चर्स आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पर जाइए पिक्चर्स आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर फॉर्मेट पर जाइए, यहाँ पर दिख चुका है फॉर्मेट। और फॉर्मेट पर जाने के बाद वाप टेक्स्ट पर जाइए, और वाप टेक्स्ट पर जाने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने का वो फ़ायदा है दोस्तों, आप कोई भी इमेज को इधर उधर कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आसानी से। मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और इस तरीके से इस इमेज को आप आसानी से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करने के वो फ़ायदा है दोस्तों, इसको सारी की सारी बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसको ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन आता है। और इस तरीके से इस वाले डॉट को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचिए कुछ इस तरीके से, और इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर खींचिए इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए मार्क एरिया टू रिमूव पर, और कहीं कहीं
इमेज सिलेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पर, ये सिलेक्शन कर लेता है मार्क एरिया टू रिमूव। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और कुछ इस तरीके से इसको भी सेलेक्ट कीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर कीप चेंज पर क्लिक कीजिए, कीप चेंज पर, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर क्रॉप पर जाइए और क्रॉप कीजिए कुछ इस तरीके से इस इमेज को, इसको भी कुछ इस तरीके से क्रॉप कीजिए और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइए और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं आप, आसानी से इंसर्ट पर जाइए और शेप्स पर जाइए और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कीजिए और इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसको आउटलाइन रिमूव करता हूँ, नो आउटलाइन, इस तरीके से सेंड टू बैकवर्ड कर दिए दोस्तों कुछ इस तरीके से। और इसको टोटल बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है दोस्तों सेंड टू बैक करने के लिए, सेंड टू बैक कर कर ये शेप्स आपके इमेज के पीछे चला जाता है दोस्तों। और उसके बाद आप एक बार होम पर आइए और होम पर आने के बाद आप क्लिक कीजिए सेलेक्ट पर, और सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक कीजिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर कुछ इस तरीके से, आउटसाइड पर क्लिक कीजिए एक बार और सेलेक्ट पर जाइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से इस इमेज को, सारी की इमेज को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, ग्रुपिंग को ग्रुप करिए दोस्तों। ग्रुप करने के बाद आप इस दोनों पिक्चर्स और शेप को आसानी से इधर उधर कर सकते हो और साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद इस तरीके से इस इमेज को छोटा करिए शिफ्ट होल्ड कर कर और इसको यहाँ पर रख दीजिए कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैं इधर उधर एरोस की से कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए मेलिंग्स पर, मेलिंग्स पर क्लिक करिए और उसके बाद जाइए मेल मर्ज पर, और उसके बाद आप क्लिक कीजिए लेबल पर, लेबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लेबल ऑप्शन खुल जाता है दोस्तों। और उसके बाद आप सिंपल कैंसिल करिए, कैंसिल करिए दोस्तों, और कैंसिल कर कर छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप जाइए सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर, और उसके बाद आप क्लिक कीजिए टाइप न्यू लिस्ट पर, यहाँ पर दोस्तों टाइप न्यू लिस्ट पर। और उसके बाद यहाँ पर आप टाइटल कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्रदर लिख देता हूँ दोस्तों, ब्रदर। और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेव एड्रेस लिस्ट खुल जाएगा। मैं यहाँ पर आसानी से सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्रदर लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ दोस्तों। अब सेव करने के बाद दोस्तों आप वन क्लिक कीजिए और 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, जस्ट वन क्लिक। उसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए आप अपडेट लेवल पर, यहाँ पर अपडेट लेवल पर क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए तो आसानी से यहाँ पर सारी की सारी इमेज पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बन चुका है, ऑटोमेटिकली बन चुका है दोस्तों इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आप कहाँ पर क्लिक कीजिए, अपडेट लेवल पर, सबसे पहले आप मेल स्टार्ट मेल पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद लेवल पर जाइए, लेवल लगा दीजिए, और उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट पर जाइए, टाइप न्यू लिस्ट करिए, और उसके बाद आप अपडेट लेवल पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली 12 पासवर्ड साइज फ़ोटो बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। उसके बाद इस वाले टेबल को आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए डिज़ाइन पर, और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जाइए बॉर्डर का वेट सेलेक्ट कीजिए, आप कितना वेट रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 2 PD दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ऑल बॉर्डर पर, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए नो बॉर्डर पर, इस तरीके से नो बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सारी की सारी बॉर्डर गायब हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप आसानी से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं, इसको भी आप प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फाइल पर जाइए और फाइल पर जाने के बाद आप सेव कीजिए और आसानी से सेव भी कर सकते हैं, और आप प्रिंट करना चाहिए तो आप प्रिंट पर भी क्लिक कर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम साइज़ 4x6 कीजिए और उसके बाद आप प्रिंट कीजिए, आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और आसानी से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए सारी की सारी इमेज ऑटोमेटिकली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों, आप भी इस तरीके से आसानी से बना सकते हो। आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।